बेशरम रंग अब तक 10 करोड़ लोगों ने देख लिया है। कंट्रोवर्सी के बीच पॉपुलर हो रहा यह सॉन्ग अब तक 100 मिलियन लोगों ने देख लिया है। हाल ही में इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। 12 दिसंबर को रिलीज हुए इस गाने को सिर्फ 6 दिन में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों ने देख लिया। हालांकि रिलीज के बाद ही यह गाना विवादों में बना हुआ है। इस गाने का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस गाने में एक्ट्रेस को भगवा रंग के कपड़े पहनाकर आपत्तिजनक डांस कराया गया है। विरोधियों का कहना है कि अगर गाने में बदलाव नहीं किया गया तो वह फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। पठान के मेकर्स यशराज फिल्म्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, बेशरम रंग को 10 करोड़ से अधिक देखा गया है। अभी तो यह इसकी शुरुआत है। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने पर अपने नजदीकी थिएटर पर 25 दिसंबर को इस फिल्म का आनंद लीजिए। बता दें कि शाहरुख दीपिका फीचर्ड इस गाने को शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी है। इसके अलावा विशाल शेखर द्वारा इस गाने को कम्पोज किया गया।